हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में। आपको बता दें, इसमें हम लोग 1100 के करीब क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, और जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे हर परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। पहला है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बता देना है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी का नाम, रासायनिक नाम है थायमिन। यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुर, अंकुरित अनाज इत्यादि से में पाया जाता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और अणु सूत्र है इसका C2OH2QOH। यह गाजर, हरी पत्ती दार सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा आदि में होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, याद रखना। फिर हमारा विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है इस्कर्विक एसिड। इसका अणु सूत्र है C6H8O6। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर आदि में पाया जाता है। गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है। फिर विटामिन 12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसे कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसमें RBC के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी होती है। वर्षा जल में विटामिन B12 पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं? तो आपको बता देना है, मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट। ए ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट। मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट, ये दांत जो मसूड़ा में धसे होते हैं, थीकोडोंट कहते हैं, जैसे मनुष्य के। हेटरोडोंट, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, हेटरोडोंट कहलाते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट प्रकार के हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, इंसीसर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर तीसरा क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या से संबंधित है? तो आपको बता देना है ग्लूकोज। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज, इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से अधिक समय अधिक मीठा सैक्रीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज मोनोसेकेराइड के दो अणु का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, और ग्लूकोज प्लस फैक्टोज सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज या कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CH2O2। 1 किलो कार्बोहाइड्रेट से 42 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर दांत, दांत के शिखर बना होता है। तो आपको बता देना है डेंटिन से। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को एनामेल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। उपास्थि, यह मुलायम एवं लचीला होता है। नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। काइटिन, कीटों के बाहरी आवरण को का निर्माण काइटिन से होता है या कड़ा होता है। पांचवा क्वेश्चन, स्कर्वी रोग
किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बता देना है, देख लिया पहले भी, विटामिन सी। इसका भी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम एवं सूत्र है, स्कर्विक एसिड है इसका रासायनिक नाम, सूत्र है C6H8O6। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर। फिर है विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। यह हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता। फिर है विटामिन ई का रासायनिक नाम ट्रोकोफेरोल है। यह पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति का कम हो जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरोल। यह अंडा, मक्खन, मछली का तेल, सूर्य के धूप में पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमोलिसिया होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन स्टोमच के पेप्टिक सेल से स्रावित जो पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। फिर है हार्मोन। यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों में विकास में सहायक होता है। विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। सातवां क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह, तो याद रखना है, यकृत तथा मेस पेशियों में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित होता है। यकृत का सबसे बड़ा बाह्यस्रावी तंत्र है एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है। लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत यह विषैली पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसे यूरिया का निर्माता होता है, ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के तथा विटामिन के का निर्माण भी होता है। फिर तिल्ली, इसके लिए शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी के कब्र गाय भी कहते हैं इसे, कब्रिस्तान। आठवां क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को कठोर बनाता है? तो याद रखिए फ्लोरीन। दंत एनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। फिर कैल्शियम, कैल्शियम दांत में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। फिर आयोडीन, आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त होती है। इसमें की कमी से घेंगा रोग होता है। फिर सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। यह रक्तदाब को नियंत्रित करता है। फिर है नौवां क्वेश्चन, पित्तरस का कार्य, तो इसमें बता देना है डी ऑप्शन से, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्तरस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। फिर दसवां क्वेश्चन, जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। पानी में घुलनशील विटामिन है BC, वसा में घुलनशील ADEK। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की? तो आपको बता देना है, लूनिन ने। विटामिन की खोज लूनिन ने की थी। DNA में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। DNA न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। DNA को पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनेस बेस का बना होता है जिसमें पुरीन, थ्रीमाइडाइन, पुरीन एंड एडिमाइन, ग्वानिन, थ्रीमाइडाइन में साइटोसिन तथा थायमिन होता है। एमिनो एसिड, 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक
प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। ट्राइप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। रहे 13वां क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो आपको बता देना है ग्लूकोज एवं फैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट मोनोस मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एवं फैक्टोज है। ग्लूकोगलेक्टोज भी मोनो मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड के अंतर्गत माल्टोज सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च ग्लाइकोज एवं सेलुलोज काइटिन होता है। 14वां क्वेश्चन, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये आपको याद रखना है, सिस्टिक डक्ट के द्वारा। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। अरे 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? माल्टोज। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? एस्ट्राडियोल में। एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन, इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय में होता है से होता है। इसकी कमी से डायबिटीज चीनियो रोग होता है या डायबिटीज। इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? कैसिन। कैसिन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजला कैसिन प्रोटीन एवं पीला प्रोटीन के कारण होता है। लैक्टोजन या छोटी आंत से स्रावित होता है। लैक्टोज को ग्लूकोज ग्लूटोज में परिवर्तित करता है। फिर निरेनिन, दूध में पाया जाने वाला कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम फारा कैसेट कैसिनेट में बदलता है। एडल्ट मनुष्य में रिनाइन एंजाइम्स की कमी होती है जिससे कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। फिर 18वां क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आपको बता देना है, छोटी आंत में। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम्स एरिपेप्टिन प्रोटीन्स को पेप्टोनिज और पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं। आमाशय स्टोमर से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। SCL प्रोप्सिन मोसिन रेनिन स्रावित होता है। फिर 19वां क्वेश्चन, किस विटामिन को हॉर्मोन भी कहते हैं? तो याद रखिए, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर या यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है? तो याद रखिए, आमाशय। रेनिन का सेक्रेशन स्टोमच आमाशय द्वारा होता है। किडनी व्यक्त मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसमें यूरिया बनता है। किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। 21, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है, याद रखना, सी निमेशक पटल कृमि रोग परिशेषिका कर्णपेशिया कॉक्सी अस्थि। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है निशेषक निमेशक पहल कृमि रोग परिशेषिका कर्ण पेशियां कॉक्सी। वेस्टिजियल ऑर्गन्स अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग, वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कारगर थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंग को वेस्टिकल ऑर्गन्स कहते हैं। फिर 22वां, पुनरुद्ध रुद्ध भवन मिलता है, तो याद रखना डी ऑप्शन है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में पुनरुद्धवन की क्रिया देखने को मिलती है। फिर 23, समवितीय अंग है, तो याद रखना, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। समरूप पंख, चमगादड़ के पंख या तितली के
पंख समझात अंग, वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भूरीय परिवर्धन में समान होते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। जैसे सील के फिलीफर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अंगली, टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ को मौलिक रचना एक जैसी होती है। ठीक है, समरूप अंग, ऐसे अंग जो समान कार के उपयोजित हो जाने के कारण समाज दिखाई देते हैं समान, परंतु मूल रूप से भूरीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। तितली पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। 24, हार्मोनल बीमारी है घेंगा, हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। सर्दी जुकाम, ये वायरल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी क्षय रोग, यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें BCG का टीका लगाया जाता है। कोड या कोष्ट, लेप्रोजी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। इस रोकथाम के लिए MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। 25वां क्वेश्चन, डार्विन है तो आपको बता देना है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनियम है। ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा की। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया। लेमार्क ने फेलोसोहिक चोलोजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तन सिद्धांत के द्वारा किया गया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। 26वां क्वेश्चन, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है कॉमेंसलिज्म। जब दो जीव एक साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को लाभ ना हो, इसे सहभोजिता या कॉमेंसलिज्म कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो, पर जीविता कहते हैं। एक जीव दूसरे को पूरी तरह भक्षण करता है, इसे परभक्षण कहते हैं, प्रेडेशन कहते हैं, गिद्ध जैसे। 27, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है, तो याद रखना पुनः वनरोपण से। 28वां क्वेश्चन, डार्विन का सिद्धांत था तो याद रखना है प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने के द्वारा किया गया। युगम तक की उत्तर जीवित का प्राकृतिक चयन दोनों एक ही सिद्धांत हैं। 39, आर्कियोप्टेरिक्स किरण का संयोजन था तो आपको याद रखना सरी सिपों एवं पक्षियों का। 30वां क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से परावग्नि विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, ओजोन। सी बी ऑप्शन सही है। 31वां क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं तो आपको याद रखना है उत्पादक। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं उत्पादक। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल या प्राथमिक उपभोक्ता जैसे घास खाने वाले जानवर, बकरी, खरगोश, गाय, हिरण इत्यादि। बात करते हैं आगे, प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। 32वां, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है तो याद रखना इकोलॉजी। जीवों का वातावरण के पारस्परिक संबंधों को के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध इकोतंत्र कहलाते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत संजीव, जीव जंतु एवं पौधे होते हैं। ये बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जलवायु, प्रकाश इत्यादि होते हैं। एटोकोलॉजी
केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को ऑटोकोलॉजी कहते हैं। सेनोकोलॉजी किसी क्षेत्र में विशेष पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को सेनोकोलॉजी कहते हैं। 33वां, निम्नलिखित में से किस युगों को जीवन नहीं कोई जीवन नहीं था, याद रखना है इज्वाइक का। 34, उत्परिवर्तन बात का प्रस्तुत किया है किसने थे, तो याद रखना डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन बात का परिवर्तन का प्रतिपादन हुडो डी ब्रिज ग्रेगर ने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। उद्विकास का क्षेत्र सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे। इन्होंने 1809 में फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक प्रकाशित की थी। 35 क्वेश्चन नंबर, एक माइक्रोन होता है तो आपको याद रखना है एक माइक्रोन बटे अपॉन एक अपॉन 1000 या 0.001 mm, ठीक है। अरे 36, उत्परिवर्तन का कारण है, तो याद रखना उपयुक्त सभी, क्रोमोजोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन इत्यादि कारण उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। 37, पैलीएंटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलीएंटोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। 38, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं, तो याद रखना मेसोजोइक काल। डायनासोरों के सुनहरा काल मेसोजोइक काल को कहते हैं। इस काल को रेप्टिलिया ईरा रेप्टाइलों का काल भी कहते हैं। 39, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है, ए प्रीकैम्बियन। जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्बियन महाकल्प में हुई है। 40, आधुनिक मानव का अभी नव पूर्वज से सी क्रोमेग नॉन मानव। 41, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई, सी प्लायोसीन। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन में हुई है, ठीक। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की, तो आपको याद रखना क्रेमी नॉन मानव ने। 43, बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया, सी जावा मैन ने। बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम आग का प्रयोग जावा मानव ने किया। इसके अवशेष जावा द्वीप में पाए है, इसलिए इसे जावा मानव कहा जाता है। 44, मानव विकास कहाँ हुआ, मध्य एशिया में। मानव विकास मध्य एशिया में हुआ। 45, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक मानव की सबसे निकट संबंधी है, याद रखिए गोरिल्ला। आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला होता है। 46, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है, तो याद रखिए RH प्लस फैक्टर पति तथा RH फैक्टर माइनस पत्नी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोसिस रोग गर्भपात का कारण RH प्लस पति एवं RH माइनस पत्नी से है। लैंड स्टीनर एवं बेनर ने 1940 में आर रेसस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे RH फैक्टर कहते हैं। जिस व्यक्ति में RH पाया जाता है उनका रक्त RH प्लस होता है, जिन्हों में RH नहीं पाया जाता है उनका RH माइनस होता है। भारत में 97% लोगों में RH प्लस तथा 3% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। यूरोप में 85% लोगों में RH प्लस और 15% लोगों में RH माइनस। यदि पति RH प्लस है और पत्नी RH माइनस, तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देती। मनुष्य में रक्त भिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइको प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। बात करते हैं 47, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो याद रखना है Fe। हीमोग्लोबिन में Fe प्लस धातु होती है। Fe की कमी से एनीमिया होता है। Mg की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। जिंक जैसे इंसुलिन कार्की के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी क्रिया CO पौधा शोषण एवं विकास संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से
पौधों में स्तंभों का डायवेक होता है। 48 गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है रेखा का। 49 ए बी रुधिर को व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, ए बी को रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर ए बी व्यक्ति को दिया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टोर ग्रुप कहते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह। ओ ब्लड को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सर्वदाता। ए बी को सर्वग्राही और ए बी ओ को सर्वदाता। ए बी ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं एंटीबॉडी, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। 50 निम्नलिखित में लिंग सहलग्न रोग है, तो आपको बता देना है वर्णांधता, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस लिंग सहलग्न रोग है। हीमोफीलिया एवं स्किल केल एनीमिया कॉल एनीमिया भी सेक्स लिंक्ड डिजीज है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाती है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल दर्पण लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इसमें देख लिए हमने 50 क्वेश्चन, अगले में बात करेंगे 50 क्वेश्चनों के बारे में।